बात करेंगे लेजेंड क्रिकेटर मरहूम हनीफ मोहम्मद की। लेजेंड क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में मुख्तलिफ खेलों से वाबस्ता खिलाड़ियों ने शिरकत की और उनकी स्पोर्ट्स खिदमात को सराहा। मजीद तफसीलात अख्तर नवाज की इस रिपोर्ट में। कैंसर से ज़िंदगी की जंग हारने वाले लिटिल मास्टर हनीफ मोहम्मद की नमाज जनाजा मुफ्ती तक्की उस्मानी की इमामत में हिलाल सोसाइटी नुमानी मस्जिद में अदा की गई, जिसमें खिलाड़ियों समेत सियासी रहनुमाओं ने भी शिरकत की, जिसके बाद मरहूम को सोसाइटी कब्रिस्तान में सुपर्द खाक किया गया। इस मौके पर बेटे शोएब मोहम्मद का कहना था कि वो हनीफ मोहम्मद का बेटा होने पर फख्र महसूस करते हैं। मैं तो पूरे दुनिया का सबसे अपने आप को अमीर तरीन इंसान समझता हूँ कि जो हनीफ मोहम्मद साहब के साथ अटैचमेंट मेरा नाम हुआ, अल्लाह ने उसमें इतनी बरकतें दी और इन्होंने जो अपना लाइफस्टाइल का जो तरीका क्रिकेट और हम्बलनेस और मतलब वो हर तरीके से उन्होंने हर चीज़ सिखाने की कोशिश की। भाई मुश्ताक मोहम्मद सादिक मोहम्मद ने कहा कि हनीफ मोहम्मद बहुत बड़े खिलाड़ी थे, उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। आज क्रिकेट का अजीम बाप खत्म हो गया। हनीफ मोहम्मद एक सिर्फ खिलाड़ी नहीं थे, वो बहुत बड़े इंसान थे और उसकी अजमत इंशाल्लाह हमेशा लोग याद रखेंगे। एक हफ्ता पहले मेरी काफी इंटरेक्ट रहा उनके साथ और उनके साथ बैठ के हमने हॉस्पिटल में जब वो वेंटिलेटर पे नहीं गए थे जब तक कमरे के अंदर उनसे काफी क्रिकेट की बातें होती थी। वजीर खेल सिंध मोहम्मद बख्श मेहर का कहना था कि सिंध हुकूमत हनीफ मोहम्मद के क्रिकेट एकेडमी के ख्वाब को ताबीर देगी। जनाजे में शरीक साबिक और मौजूदा खिलाड़ी जिंदगी की पिच पर 81 साल तक डटे रहने वाले हनीफ मोहम्मद से वाबस्ता यादें शेयर करते रहे। तारीख साज क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद ने सारी उम्र पाकिस्तानी परचम को सरबुलंद रखा। आज अब्दी नींद सोने के बाद भी उनके सराहने पाकिस्तानी परचम मौजूद है। कैमरामैन मोहम्मद वसीम के साथ अख्तर नवाज।